एवरीवन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। आप लोगों का कल एक डिस्कशन लेक्चर होगा जिसमें मैं पहले असाइनमेंट वन जो बचा हुआ है हमारा वो कंप्लीट करूंगा, एंड पोस्ट दैट आई विल बी डिस्कसिंग असाइनमेंट टू। जिसको बैठना है बैठ सकता है, आप लोगों के बैच में ऑलरेडी हो चुका है एचसीवी का डिस्कशन, और मैं आज कुछ बुकलेट के क्वेश्चन दूंगा। इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड, मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी मैं रख सकता हूँ। तो एचसीवी और आज मैं कुछ बुकलेट के काफी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीक होगा। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है पहले। एचसीवी नेक्स्ट वीक है, मंडे ट्यूसडे में प्रिपेयर रहना, और मैं आज और कुछ 30-35 क्वेश्चंस देने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, कल डिस्कशन होगा बच्चे असाइनमेंट वन के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, कल मैंने 17-18 ही डिस्कस करे थे, तो 35 तक है, तो बचे हुए 17-18 डिस्कशन क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा पहले, ठीक है? चलो, सो जितने बच्चे आ गए हैं ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली फिर डीसी पांडे आप काइनामेटिक्स पूरा कर सकते हो, एनएलएम अभी मत करना, एनएलएम मैं टाइम बताऊंगा तब करना, डीसी पांडे अपने हिसाब से करना है। संडे को काइनामेटिक्स का टेस्ट है आप लोगों का, ओके? फ्रिक्शन विक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, अभी रुक जाओ भाई कृष्णा, अभी मुझे क्वेश्चन कराने दो। आज के लेक्चर में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना एनएलएम समझ में आया। आई हैव सेंड द लिंक, ये बच्चे कह रहे हैं लिंक नहीं है। जस्ट वन मिनट, फाइन, सो लेट स्टार्ट। आपके सामने क्वेश्चन है, यू हैव 3 मिनट्स, सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन जो दे रखा है इसको सॉल्व करो, यू हैव 3 मिनट्स। सर नेक्स्ट वीक तक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा क्या? देखते हैं, आप बहुत परेशान रहते हो यार टेस्ट को लेके। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा टेस्ट में, डोंट वरी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया और टेस्ट में आ गया। या तो मैं पढ़ा दूंगा पहले ही, और अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आई मेक श्योर कि आपका टेस्ट में ना आए, डोंट वरी। आप मुझ पर ट्रस्ट करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सॉल्व करते जाओ बिंदास। गलत है स्पर्श, गलत है अरिंजय, कैलकुलेशन चेक करो।
फर्स्ट गलत है आंसर। प्रियांश दैट आंसर इज करेक्ट। गलत है आपका जहान। प्रियांश का आंसर सही आ गया है। ओम दैट आंसर इज करेक्ट। अर्णव दैट आंसर इज करेक्ट। बोलो कुछ बोलना है आपको। हाँ ठीक है ना यार, आप आपका लोअर हैंड कर दो, दैट्स इट। धर्मित द आंसर इज इनकरेक्ट। अयान रहने दो, आप रेज हैंड मत करो, आपको कुछ भी लिखना है चैट में लिखना, मैं आई विल रिप्लाई। चलो आई हैव गिवन एनफ टाइम, कौन करेगा डिस्कस? अथर्व आपने तो मचा दिया, आपने आंसर दिया 1.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एम पूछा है, मास। ये कैसे पॉसिबल है? अर्णव रेज हैंड करो। आपका आंसर आया ना, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस मेथड, क्या है आपका, इज ही देयर? चलो कोई आप रेज हैंड कर दो। यस हाँ यस, आया आंसर? नहीं सर, मैं एफबीडी और वो स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा के किया, पर बाद में जरा अटक गया। जरा अटक गया मतलब आना चाहिए ना आंसर। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम 1 kg मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें 1 kg का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। 1 kg का एफबीडी बनाए? यस सर। FBD of 1 kg, 1 kg ऊपर कितना फोर्स? टेंशन टी। नीचे कितना फोर्स? mg। 1g 10। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 newton। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट? यस सर। अब एफबीडी बनाते किसका? एम का।
एफबीडी ऑफ एम, राइट? क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? राइट में टू टी, नीचे एम जी, यस सर, और ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स द ओनली फोर्स, यस सर, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, हेंस इट विल एक्सेलरेट, यस सर. है ना? इफ इट्स एक्सेलरेटिंग तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दी मैंने ए, सो दिस इंप्लाइज, सॉरी, दिस इंप्लाइज व्हाट आई कैन राइट, टू टी इज इक्वल टू एम इनटू ए, यस सर, है ना? तो टू इनटू टी की वैल्यू डाल रहा हूं, टेन इज इक्वल टू एम ए, सो एम ए आ गया मेरा कितना, 20 न्यूटन. दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर टू. यस सर. ओके, मैंने एक क्वेश्चन कराया है, कुछ बोलना है दीपेन आपको? हाँ यश, यहां तक क्लियर है? यस सर. अब हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एम आ गया. अब मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ एम और एक्सेलरेशन ऑफ पुली पी टू सेम ही होगा क्या? यस सर. है ना? हाँ. तो यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लिख सकता हूँ क्या? ये आ गया. ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ एम इज सेम एज acceleration of pulley P2, क्योंकि उनके बीच में कोई और moving object है नहीं. Yes sir. 4 kg गलत है आंसर बच्चे, राइट? तो मैं यहां लिख सकता हूं AP2 is equals to what? A आ गया. Yes sir. Equation 3, राइट? अब ये मेरी एक स्ट्रिंग मान लेता हूं मैं, राइट? यस. यहां पे टेंशन टू टी, सॉरी, यहां पे टेंशन टी, यहां भी टी, ठीक है? तो आगे लिख लेते हैं, what I can write, apply string constraint, in yellow string, yellow string में string constraint apply कर रहा हूँ, ठीक है? Yes sir. तो yellow string में क्या लगेगा? एक्सेलरेट किधर कर रहा है? ये नीचे करेगा. अगर इसका एक्सेलरेशन मैंने ए इधर माना है तो एपी टू किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है. यस सर. एपी टू आएगा हमारा ए के इक्वल नीचे. एक्सेलरेशन ऑफ वन केजी कितना है? जीरो. जीरो. यस सर. मुझे ये बताओ कि टू केजी का एक्सेलरेशन किधर मानू, ऊपर या नीचे? ऊपर सर. ऊपर मानू? हाँ. चलो ए टू लेट, ठीक है? तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाता हूं, अगर मैं टू टी इंटू एपी टू कॉस जीरो प्लस टी ए टू कॉस जीरो, क्योंकि आपने ऊपर ही मानने को बोला है. हाँ, है ना? हाँ. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से
टी ए टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ टू टी ए पी टू, ए टू आ जाएगा माइनस ऑफ टू ए पी टू इक्वल टू माइनस टू ए, इंप्लाइंग ए टू एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज इनकरेक्ट एंड ए टू विल एक्सेलरेट डाउन. यस सर. Downwards, right? A2 equal to 2A. This becomes my equation number 4. FBD of 2 kg. ऊपर लग रहा है टी इक्वल टू 10 न्यूटन. यस सर. नीचे लग रहा है 2g 20 न्यूटन. और नीचे करेगा एक्सेलरेशन. यस सर. ए टू इक्वल टू 2a. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 20 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 2a. Yes, sir. 10 is equals to 4a, implying a की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई बात समझ में? दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 5, राइट? अब मैं मेरी इक्वेशन देख लेता हूँ. इक्वेशन 2 में मेरा कितना आ रहा था, एम ए 20 न्यूटन आ रहा था. Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन टू एम इंटू ए इज इक्वल टू 20, ए की वैल्यू मैंने 2.5 निकाली, 20, तो एम कितना आ गया हमारा, 8 kg आ गया. दैट्स द आंसर. सर मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट तक आ गया था, पर आगे कैसे करूं वो नहीं समझ रहा था. घबराते क्यों, सॉल्व करो ना, एफबीडी बनाओ तो सही सबके. हाँ सर, मैंने अपनी जो व्हाट्सएप पे ट्रिक बताई थी ना, मतलब स्ट्रेटजी बताई थी, उस हिसाब से जा रहा था मैं, पर जब पुली पे कंफ्यूज हो गया, पुली कैसे करो इसे. घबराना नहीं है, ठीक है. ओके सर, थैंक यू. आई हैव नॉट स्टार्टेड दर्शन न्यू टॉपिक, मैं आज सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. अभी बिना क्वेश्चन के कोई काम नहीं चलेगा. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके okay. चलो तो बोलो भाई स्टीव. सर वहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पुली कैसे कैसे इक्वल हो गया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दो या तो, और अगर थोड़ा सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ में आने लग गया तो देखो ये एंड ये घूमेगा ऐसे. हाँ. तो एम जितने से जाएगा उतने से ये दूसरा एंड जाएगा. हाँ सर. क्योंकि उनके बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि m हाँ, और p2 का एक्सेलरेशन सेम होगा. हाँ, नहीं तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देता 2t और 2t करके. हाँ, राइट. वो हाँ, शॉर्ट ट्रिक मैंने एक जगह लगा दी. हाँ, हाँ. ओके चलो सर, मैं वहां तक मैं m में इज इक्वल टू 20 तक पहुंच गया था, फिर वहां पर मुझे उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालना मैं उसको क्लिक नहीं हुआ मुझे वहां पर. कोई बात नहीं.
करो सॉल्व क्वेश्चन. KG है बच्चे. पिछले क्वेश्चन का आंसर 8 KG था. आई डोंट नो कौन सा मूवेबल है कौन सा नहीं है, ये सब आपको फिगर आउट करना है, आपको दिमाग लगाना है.
एक्सेलरेशन 2.75 नहीं है। नहीं यार ये नहीं आ रहा आप जो कह रहे हो दीप, दैट्स नॉट करेक्ट। ओम, दैट्स नॉट करेक्ट। नहीं यशवंत ये नहीं आ रहा आंसर। लास्ट वन मिनट। किसका आंसर दे रहे हो? फोर वैसे नहीं आ रहा है, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। वीरति यार ये तो नहीं आ रहा है आंसर, एक बार चेक करते हैं। डे तो कुछ और ही रखा है। लास्ट वन मिनट या लास्ट 30 सेकंड्स, दैट्स इट। चलो कौन करेगा डिस्कस, रेज हैंड करो। हाँ वीरती माइक ऑन करो बच्चे। एम ऑडिबल टू यू? आपकी आवाज नहीं आ रही वीरती। हाँ बच्चे कौन सी स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन को डिनोट कर दिया इससे? ओके थोड़ा सा लाउडली बोलोगे बच्चे? आई गेस आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके स्ट्रिंग टू को मैंने येलो से डिनोट कर दिया है। राइट वीर सी आर नॉट ऑडिबल, कुछ बोलोगे? यस सर। हाँ अभी आ रही है ठीक है। और स्ट्रिंग थ्री को मैं किसी और कलर से डिनोट कर देता हूँ, ग्रीन से डिनोट कर दिया है। अब आप मुझे बताओ टेंशन टी कहाँ पे मानू मैं? 2 kg वाले ब्लॉक पे। 2 kg वाले पे टी मानू? yes, वैसे बेटर पता है क्या रहेगा, यहाँ मान लू तो इधर अगर मैं टी मान लूंगा तो बेटर रहेगा। तो ये भी टी हो जाएगा। yes, sir. है ना, ये टी हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2t राइट? प्लीज रिप्लाई। यस सर। और यहाँ पे भी बचे कितना आ जाएगा? 2t।
अब यहाँ 2t है तो नीचे कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40, ठीक है? Yes, sir. है ना? अब ये हमारा स्ट्रिंग 3 हो गया. ठीक है, अब FBD बना लेते हैं या एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, क्या करें बताओ, क्या करना है आपके अकॉर्डिंग, फटाफट बोलते जाओ. एक्सेलरेशन लिख दो पहले. किसका? A2 लिख दिया, A4 लिख दिया, A2.75 लिख दिया. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू AP2, राइट? ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है और दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों का सेम आ जाएगा, राइट? तो ये सॉर्ट हो गया. अच्छा, अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख दें. यस सर. किसके बीच में लिखें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? तो पहले एक स्ट्रिंग में लिखते, फिर कौन से वाले स्ट्रिंग में लिखें आप बताओ ना, उसके लिए लिख देता हूँ मैं. पहले ऑरेंज, सॉरी, पहले ऑरेंज में लिख देते हैं. ऑरेंज में लिख देते हैं, ठीक है. ऑरेंज में लिख देते हैं. तो ऑरेंज के लिए क्या करेंगे, ऑरेंज में हमारे पास ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 2 kg, P2 एंड P3, करेक्ट? यस सर. ओके, तो हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉर ऑरेंज स्ट्रिंग. ऑरेंज स्ट्रिंग के लिए अगर हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो 2 kg तो ऊपर जा रहा है तो मैं लिख सकता हूं 2t into A2 cos 0, राइट? P2 के लिए बताओ क्या लिखूंगा बच्चे? 2t into AP2 cos 180 degree. यहाँ पे गलती कर दी आपने, 40 आएगा. अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो प्रॉपरली 2t plus 2t into AP2 cos 180. मिस्टेक समझ में आई? एक 2t ऊपर है, 2t ऊपर है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, AP3 किधर माने, ऊपर या नीचे? नीचे. नीचे मान लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AP3 भी नीचे है, ठीक है? अगर AP3 नीचे माना तो प्लस कितना, 2t लिखूं? यस सर. AP3 cos 0. अच्छा, येलो वाली, ऑरेंज वाले के लिए लिख रहे ना, सही कह रहे हो. तो cos 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो यहां से आ जाएगा 2t कॉमन, A2 plus AP3 is equals to 40 AP2, right? T से T cancel, ये 2 का factor है. A2 plus AP3 2 times of, और इसको मैं लिख दूँ क्या? A4. Yes, sir. ठीक है. अब मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कौन सी स्ट्रिंग में लिखूं? येलो के लिए लिख दूं? यस सर. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉर येलो स्ट्रिंग. तो येलो स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे तो हमारा सिर्फ AP3 मूविंग है और A2.75, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2T, और AP3 नीचे जा रहा है तो AP3 cos 180 प्लस A2.75 cos 0 इक्वल टू 0, राइट? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? T A2.75 2T AP3.
राइट, तो यहां से हमारा आ जाएगा ए 2.75 या ए पी 3, ए 2.75 बाय 2, राइट करेक्ट, यस सर, है ना। इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया था, इसको मैं इक्वेशन टू कह रहा हूं, और इसको मैं इक्वेशन थ्री कह रहा हूं। फ्रॉम टू एंड थ्री मैं रिलेशन रिप्लेस कर रहा हूं, तो रिलेशन आ जाएगा ए टू प्लस ए 2.75 बाय 2 is equals to a4, right? 2a4. ये मैंने डाल दी वैल्यू ap3 की, तो यहां से आ जाएगा आपका twice of a2 plus a 2.75 is equals to what? 4 times of a4, right Veerji? Yes sir. This becomes my equation number 4. अब अपन आगे देखते हैं हमारी, अब एफबीडी बना लेंगे। यस सर, 2 केजी का एफबीडी बनाता हूं, 2t ऊपर a2 ऊपर, तो एफबीडी ऑफ 2 केजी, 2 केजी में ऊपर लग रहा है 2t, नीचे लग रहा है कितना 2g, और ऊपर क्या है एक्सेलरेशन a2, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 2t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a2, इक्वेशन नंबर 5। राइट, यस सर, है ना। अब मैं 2.75 का एफपीडी बना देता हूं, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन t ऊपर लग रहा है, FBD of 2.75 kg, तो ये 2.75 kg है, नीचे लगेगा 2.75 g, ऊपर कितना टेंशन T लग रहा है, और ऊपर क्या है A 2.75, राइट, यस, तो यहाँ पे मेरा T माइनस 2.75 g to 2.75 into a, यहां से हटाना पड़ेगा इसको, यहां से जगह नहीं है, so this implies what I can write t minus 2.75 g 2.75 A of 2.75. This becomes our equation number 6. Okay. Everyone, please lower your hand. है ना? यहाँ तक clear है? अब 4 kg का FBD बनाते हैं, तो 4 kg में 4T ऊपर लग रहा है और A4 नीचे है। FBD of 4 kg में हमें दिख रहा है, नीचे लग रहा है 4g, ऊपर लग रहा है 4t, और नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन a4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या 4g माइनस 4t इज इक्वल टू व्हाट 4 इनटू a4 इंप्लाइंग g माइनस t इज इक्वल टू व्हाट a4। This becomes my equation number 7. Yes, sir. Right? हाँ. जने निशिम, कोई डाउट है आप लोगों को? आपने रेज हैंड कर रखा है। सर, अगर उन लोगों ने सब कुछ क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम करके फिर लॉजिक लगा के बाकी सब जगह भी एक्सेलरेशन डाल देंगे ना सर? ऑब्वियसली। हाँ सर, वो तो स्टार्टिंग में मैं बता चुका है ना।
तो अब मेरे पास वीरती कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर है, इक्वेशन फोर में तीन वेरिएबल्स है राइट, इक्वेशन फाइव में एक नया वेरिएबल ऐड हो गया टी, यस सर, सिक्स में कोई वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, सेवन में कोई वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, तो इक्वेशन फोर फाइव सिक्स सेवन को सॉल्व कर लूंगा, यस सर, आई बात समझ में, तो मैं लिख देता हूँ, आई एम लीविंग दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, सॉल्व इक्वेशन फोर फाइव सिक्स एंड सेवन टू गेट values of T, A2, A4 and A 2.75 kg. Okay? आप लोग पढ़ लोगे बच्चों? Yes, हाँ. ठीक है, मैं इनके आंसर लिख देता हूँ जो दे रखे हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती हैं, फिर भी ये आप लोग चेक कर लेना यार, आई थिंक आंसर्स हैं A2 equals to A4 equals to 1 meter per second square. दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है और A 2.75 is equal to 6 meter per second square, डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है. यश दुबे बोलो भाई, क्लियर है ना अच्छे से? हाँ बोलो सर, इक्वेशन सब आ जा रहे लेकिन उसके बाद फिर सॉल्व करने नहीं हो रहा. नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ यार, ये तो गलत बात है, इसमें क्या कर क्या दिक्कत आ रही है, इन दोनों को ऐड कराओगे 6 और 7 को तो टी गायब हो जाएगा राइट. हाँ सर, और सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है. अरे तो लगेगा ही सही, आप करो तो सही सॉल्व, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा ना. आपकी तरह ही किया है जैसे आपने किया है, यहाँ तक किया है कोई बात नहीं, इसके बाद दिमाग लगाओ हो जाएंगी चीजें. ओके सर, ओके स्पर्श बोलो सर, ये जो आंसर तुमने दिया है कि A4 equal to A2 मेरा वो भी आया, लेकिन सर फाइनल आंसर कुछ अलग आ रहा है. आंसर क्या आ रहा है मैं चेक करके बता दूंगा आपको, मैं अलग से भेज दूंगा ठीक है. मेरा समथिंग 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मैं चेक करके भेज दूंगा है ना, अभी के लिए आप छोड़ दो ठीक है. यस सर, जल्दी बोलो आदित्य. सर पहले पेज पे जा सकते सर? सर सर यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली सर टेंशन और एक्सेलरेशन को लेके सर स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया और डायरेक्टली लगा दिया, तो सर चलता क्या सर? नहीं, जो मैंने बताया वैसे ही चलेगा, आपको स्ट्रिंग कंसीडर लगाना पड़ेगा नहीं तो गलती कर दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूविंग है, जो ऑरेंज वाली स्ट्रिंग है ना उसमें तीन ऑब्जेक्ट मूविंग है, 2 kg, P2 एंड P3, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे. येलो वाली में दो मूविंग है ठीक है सर? नहीं सर, मतलब टूटी मतलब डायरेक्टली ये ब्लॉक्स पे लगा देना, वर्क डन और उसको शुरू कर देना. हाँ हाँ वो कर सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी रेफर करो तो आपको समझ में आए. समझ में आई बात? यस सर, मैंने आंसर लिख दिए हैं ठीक है. यस सेलर बोलो सर, अपने के से वो टी कौन सर? हाँ बोलो सर, अपने के से टी, आपने कहा कि स्ट्रिंग टू पे टी लगाना एक अच्छा होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप टी बाय टू ले लेते हैं, अरे कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रैक्टिस से समझ में आता है. लॉजिक नहीं है इसके, कोई लॉजिक नहीं है. हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर, AP3 का एक्सेलरेशन नीचे, मतलब आपने अज्यूम किया है ना वो? हाँ. ओके सर. वीरती बोलो. हाँ सर, वो आंसर की सही है. आंसर की सही है. हाँ मेरा वही है. ठीक है. शुभम बोलो. सर मैं बोल रहा था सर कि आपको अभी आप बोले ना सर टू स्ट्रिंग टू से लेना टेंशन और अच्छा पड़ेगा, सर आपको क्लिक कैसे हुआ सर? अरे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि येलो के नीचे जो स्ट्रिंग है वो ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे एक और स्ट्रिंग है, तो वो टी ओ पी और फोर्टी बन जाएगा इसलिए. अच्छा ओके, हाँ हाँ सर समझा.
थैंक यू सर। हाँ वो एक बच्चे की वजह से इको हो रहा था जिसको डाउट था, ठीक है अभी हो गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर अगर आप मुझे बोल रहे हो, आंसर है क्या मेरे पास? आंसर नहीं है भाई मेरे पास भी, मैंने खुद ने वैल्यूज दिए हैं। आंसर चाहिए अगर आपको तो सोचने दो, रुको मुझे। ट्वेंटी फाइव केजी का आंसर बोल दो ना, 25 kg का आंसर आएगा। टेन पॉइंट एट आ रहा है 25 kg का। सो आंसर इज ए 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वो भी देखना पड़ेगा मैं यार कहां पर है। अलोंग द इंक्लाइन होगा वो भी। एंड A11 आ जाएगा आपका। A11 निकालेंगे अगर हम तो वो आएगा 25 × 10 × 3 × 4 × 25 × 11 + 9। सो ये कैंसिल 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड्स। दीज आर द आंसर्स अगर आपको आंसर चाहिए तो। लास्ट 2 मिनट्स।
लास्ट वन मिनट करें बच्चों डिस्कस ओके रेज हैंड करो कौन करेगा डिस्कस हाँ स्पर्श यस सर जस्ट अ मिनट काफी सारा उड़ा दिया था मैंने यार आपके पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है ठीक है चलो ठीक है देखो इधर यस सर तो बच्चे ग्राउंड फ्रेम में बना रहा हूं मैं सारी चीजें ठीक है यस सर ग्राउंड फ्रेम में मेथड वन हमारा एफबीडी बना रहे 11 केजी का इलेवन के जी पे नीचे लगेगा 11G नीचे से ग्राउंड से लगेगा N11 करेक्ट इसके अलावा N25 लगेगा 25 के जी का जिसका एक कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा N5 N25 sin 37 और N25 cos 37 करेक्ट यस सर इसका इक्विवेलेंट एफबीडी बना दिया छोटा सा इधर 11 के जी ऊपर N11 नीचे N25 cos 37 और ये 11G समझ में आई बात यस सर लेफ्ट में क्या लग रहा है जो भी लिखा है सब सही लिखा है हेमंत अब एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन ऊपर और नीचे के फोर्सेज इक्वेट कर देंगे because yes, it can't move in vertical direction to upar kya likh sakta hu n11 is equal to 11g plus n25 cos 37 this becomes my equation number 1 yes, equation sir. number 2 n25 sin 37 is 11 into a11 yes sir left mein ab 25 kg ka fbd bana dete hain 25 kg ke fbd mein upar lagega n25 yes sir right पर यार आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है कोई और रेज हैंड करो एक मिनट जने आप माइक ऑन करो एवरीवन प्लीज लोअर योर यस सर अब यहां पे नीचे 25G लगेगा वर्टिकली डाउन हां सर तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 25G cos 37 और इधर आएगा 25G sin 37 ऊपर एंड 25
अब मुझे नहीं पता ये कहां कहां एक्सेलरेट करेगा, देखना। अगर मेरा सरफेस इधर खिसक गया है ना, तो मैं एक तो यहाँ पे स्लाइड कर सकता हूँ और एक मैं यहाँ भी मूव कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा मोशन कहीं नीचे आएगा, ये तो उधर खिसक गया, समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसे केस में इसका वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन हो सकता है, तो मुझे नहीं पता हो सकता है नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन मान लिया और एक इधर मान लिया। प्रीवियस केस में ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था, ये फिक्स था, बट यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है क्योंकि सरफेस खुद खिसक गया है, राइट? तो मैंने मान लिया इधर है और इधर है, कहीं भी मान सकते हो, आपकी जहां इच्छा है। तो मैंने मान लिया, अब मैंने मान लिया ये मेरी नई वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो एक्स एक्सिस से क्या लिख सकता हूँ, 25g sin 37, दैट वाज द ओनली फोर्स, इकलौता फोर्स था नीचे की तरफ, 25 into a 25x। तो 825x की वैल्यू आ गई 6 m/s². यस सर, डायरेक्टली आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 825y के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम y एक्सिस 25g cos 37 - n 25 = 25 into a 25y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, कौन कौन सी, ये थर्ड, यहाँ पे इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, एंड वी हैव 4 वेरिएबल्स, कौन कौन से 4 वेरिएबल्स, a11, a25y, n11 and n25। यस सर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, वेज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो वेज ही आपस में, सो वी कैन फाइंड दिस यूजिंग वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट में मुझे पता है a11 इधर जा रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, a11 sin 37, क्योंकि ये 37 था तो ये भी, yes, और इधर क्या होगा a25y, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो a25y is equals to what, 3a11 है ना, 3a11, राइट? तो आई हैव नाउ 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स। यस सर, निकाल लोगे आप आंसर्स, निकाल लेना, आई एम लीविंग दिस। किसी को कोई डाउट आया समझ में? हाँ यश दुबे सर, इसके पीछे वाले पेज पे जाओ ना। ऐसा कभी हुआ है किसी क्वेश्चन में आपको पूरा एक बार में समझ में आ गया हो? हाँ सर, एक दो बार होता है कभी, एक दो बार होता है। चलो सब सर, स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग। अच्छा बोलो सर, इसके आगे वाले पेज में सर, वो f up is equal, अरे फोर्स अप और फोर्स डाउन इक्वल लिया आपने, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता ना मोशन, ग्राउंड के हवा में उड़ने लग जाएगा क्या बैठे बैठे आप? अच्छा हाँ सर, हाँ कांटेक्ट लिखा भी तो है मैंने, राइट? हाँ सर। बच्चों क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मैं जब तक ये नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। ओके चलो, तो ये वैल्यू निकालने ना, इसके लिए मैंने पेज छोड़ा है, मैं भी कैलकुलेट करके भेज दूंगा। मेथड टू, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू वेज, वहां से करो। बोलो शुभम। हेलो सर, सर थोड़ा 2 पेज पीछे जा सकते हो आप? बोलो और एक। हाँ सर, इधर मुझे सर ये नहीं समझा, 11 साइन 37 का ये पूरा समझाओ ना सर एक बार, FBD A11 का वेज कंस्ट्रेंट से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सेम होता है। हाँ सर, तो इधर A11 साइन 37 आया और इधर ही क्या है, 825 y, तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर, ओके, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड। बच्चों ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू वेज है, तो वेज के पे अटैच करेंगे तो 25 केजी पर एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, राइट? और वेज के रिस्पेक्ट में वो केवल सिर्फ यहां पे मूव करेगा, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में वेज को तोड़ के तो नहीं जा रहा ना, वेज के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ डाउन द इंक्लाइन ही मूव करेगा, तो वो वाला मेथड लिख रखा है मैंने। ये मेथड टू एक बार स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं,
अगर नहीं समझ में आए तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ठीक है? आई हैव लेफ्ट स्पेस फॉर दैट ऑल्सो. ओके करो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. One second, sorry.
लास्ट वन मिनट ओके करें डिस्कस रेज हैंड करो कौन करेगा ध्रुव और यश दुबे आप तो डाउट वैसे भी पूछने ही वाले हो दोबारा अरिंजय यस सर एफबीडी बनाए हाँ सर ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं चीजें सबसे पहले मैं 7 kg का एफबीडी बना देता हूं yes, अब 7 kg के एफबीडी में नीचे लगेगा 7G ऊपर लगेगा N7 राइट ये एंगल हमें दे रखा है 37 degree करेक्ट उसके अलावा पुली इज पार्ट ऑफ इट तो इधर लगेगा टेंशन टी राइट इसके अलावा यहां पे लगेगा पैरेलल टू दिस टेंशन टी Yes. ये भी एंगल कितना होगा 37 degree yes. तो इधर एक टी कॉस 37 भी लग जाएगा yes, sir. और एक नीचे लग जाएगा टी साइन 37 करेक्ट इसके अलावा 5 kg का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N5 ठीक है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ये एंगल 37 डिग्री बन जाएगा इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा एक मिनट ये एंगल 37 आ जाएगा इधर आ जाएगा N5 cos 37 डिग्री और एक लेफ्ट में आ जाएगा N5 साइन 37 करेक्ट इसका इक्विवेलेंट एफबीडी बना देता हूं 7 kg का तो मैं क्या देख सकता हूं नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं नीचे फोर्सेस लग रहे हैं हमारे सेवन जी N5 cos 37 and T sin 37 correct
लेफ्ट में लग रहा है हमारे एन फाइव साइन 37 ऊपर लग रहा है हमारे एन सेवन करेक्ट और राइट में मेरे दो फोर्सेस लग रहे हैं एक लग रहा है टी और एक लग रहा है मेरा टी कॉस 37 राइट अब उसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हवा में तो उड़ेगा नहीं यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना हाँ ध्रुव बच्चे कोई डाउट है आपने रिजाइन किया है सर वो डिस्कशन वाला था सॉरी अच्छा कोई बात नहीं अरिंद जी यहाँ तक क्लियर है यस सर है ना तो अब इक्वेशन लिख दें इसकी तो वर्टिकल डायरेक्शन से मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम वर्टिकल आई कैन राइट एन सेवन इज इक्वल टू एन फाइव कॉस 37 प्लस टी साइन 37 प्लस 7g एंड दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1 यस सर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाट आई कैन राइट एन फाइव साइन 37 लेफ्ट में राइट में कितना है टी एंड टी कॉस 37 एंड आई हैव अज्यूम्ड एक्सेलरेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन एक्सेलरेशन को मैं मान रहा हूँ इधर ए सेवन ये मेरा एक स्टार पॉइंट हो जाएगा अगर मैंने लेफ्ट में मान लिया ठीक है तो yes, हमारा लेफ्ट वाले बड़े हो जाएंगे तो अकॉर्डिंगली लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू 7 इनटू ए 7 दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2 राइट 5 केजी का एफबीडी बना देते हैं 5 केजी का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर टेंशन टी इधर 5g cos 37 डायरेक्टली लिख रहा हूं कंपोनेंट 5g के और इधर 5g sin 37 ऊपर n5 यहाँ पे n5x और यहाँ n5y है ना क्योंकि सरफेस लेफ्ट में खिसकेगा तो मुझे पता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो राइट में और परपेंडिकुलरली जाएगा इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y एक्सिस से क्या आएगा 5g cos 37 माइनस n5 इज इक्वल टू 5a5y फ्रॉम x एक्सिस क्या आएगा 5g sin 37 माइनस t इज इक्वल टू 5 इंटू a5x राइट अब ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं चार इक्वेशन में मैं देखते जाता हूँ टी है ए फाइव एक्स है 2 ठीक है थर्ड इक्वेशन में एन फाइव आ गया 3 ए फाइव आ गया 4 सेकंड इक्वेशन में ए सेवन आ गया 5 और क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन में एन सेवन आ गया 6 राइट छह वेरिएबल्स हैं तो अब मुझे वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों लिखना पड़ेगा वेज कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ वेज कंस्ट्रेंट में क्या है लेफ्ट में लग रहा है a7 तो इधर कितना आ जाएगा a7 sin 37 और इधर आ जाएगा a5y a7 sin 37 इज इक्वल टू a5y दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 5 ओके और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख सकता हूं मैं इधर लगा टी और इधर लगा टी कॉस 37 और ये जा रहा है इधर लेफ्ट में a7 से और इधर लग रहा है ऊपर टी और ये नीचे जा रहा है a5x से तो यूजिंग वर्चुअल वर्क व्हाट आई कैन राइट टी प्लस टी कॉस 37 इनटू a7 कॉस 180 इक्वल्स टू टी इनटू a5x कॉस 180 यस सर ठीक है ये आने के बाद इक्वल टू 0 तो यहाँ से माइनस टी 1 प्लस कॉस 37 a7 उधर चला गया और इज इक्वल टू टी उधर चला गया तो टी इंटू a5x टी से टी कैंसिल हो गया a5x कितना गया माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 37 इंटू a7 करेक्ट यस सर नाउ वी हैव 6 इक्वेशंस एंड 6 वेरिएबल्स T, N5, N7, A7, A5X and A5Y. आई क्या बात समझ में? तो जनरल मेथड क्या होगा?
स्ट्रिंग प्लस वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप सबका एफबीडी बनाओ, जहां पे आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, है ना? तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो लिख देना। अगर सरफेस खिसक गया तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जहां भी मूव कर सकता है वहां पे होगा। तो पहला पॉइंट जनरल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एफबीडी ड्रॉ करो और जहां एक्सेलरेशन हो सकता है वो लिखो। तो मैंने पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिख दिया, फिर सेकंड के लिए एफबीडी बनाया, उसकी इक्वेशन लिख दी। अब मैंने देखा मेरे पास जितनी इक्वेशंस कम थी तो उसके अकॉर्डिंग पहले फिर वेज कंस्ट्रेंट लिखा और फिर मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखा। फिर मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होगा, उसको सॉल्व किया। समझ में आ रही बात? डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है बस। हाँ भाई ध्रुव बोलो भाई, डाउट? यस सर। सर ये जो 5 kg वाला है, मतलब ऐसा कोई भी ऐसे ब्लॉक आए इंक्लाइन पे तो फिर उसका दो डायरेक्शन मानने का ना एक्सेलरेशन का? अच्छा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में मानने का ना, अगर ऐसे इंक्लाइन पे आया तो? इंक्लाइन पे आया तो क्योंकि नीचे वाला नीचे खिसक जाएगा, नीचे वाला साइड में जाएगा, लेफ्ट में खिसक जाएगा, तो ऐसे केस में वो दोनों साइड में जाएगा। समझ में आई बात? यस सर, वैसा है। तो दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट? अच्छे क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मीटिंग मत लीव करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये कुछ बहुत सारे बच्चे तो भाग गए हैं यार, कैसे हैं बच्चे? 50 बच्चे गायब हैं। स्पर्श बोलो सर, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो कितना टाइम लेना चाहिए मैक्सिमम? 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये समझ में आया? यस सर। हाँ दुबे जी। सर ये वाला क्वेश्चन मतलब समझा, लेकिन वो ए रिस्पेक्ट, अरे मतलब वेज के रिस्पेक्ट में निकालना रहता है ना एक्सेलरेशन, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं बनता सर, मतलब समझ नहीं आता। ये आ गया समझ में? हाँ सर। फिर वो सुनो मेरी बात, सुन तो लो मेरी बात। हाँ सर, रिस्पेक्ट में निकालना है ना? हाँ, रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलग से। ओके सर, मेरा A7 यहाँ आया है, राइट? Yes, और मेरा आया है इधर A5Y और इधर आया A5X, राइट? Yes, sir. हाँ। अब ये एंगल 37 डिग्री है, 37 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा A7 cos 37। यस सर, राइट? Yes, और यहाँ आ जाएगा A7 sin 37। अब ये this is equal to this perpendicular to contact, right? तो acceleration of 5 with respect to 7 अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा A5x minus A7 cos 37। माइनस क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। सो मॉड ऑफ A5x प्लस mod of A7 cos 37। आई बात समझ में? तो ये रिलेटिव टू दैट आ गया। और उसका जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था वो समझ लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो मैं सब ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस कौन से फ्रेम में करने हैं? सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 7 kg के फ्रेम में करने हैं। 7 kg के फ्रेम में करोगे ना बच्चों तो आपकी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसमें A5Y नहीं आएगा, A5Y को बाद में निकालना है। तो ग्राउंड फ्रेम की जगह सूडो फोर्स वाले फ्रेम में करो, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, ये ग्रीन वाले से ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब सुनना बात को, मीटिंग मत छोड़ना, आगे मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ। आगे मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी खुद से सॉल्व करना है। दीज आर गुड क्वेश्चन, मैं भेज रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? आपको सॉल्व करके रखना है, इसको डिस्कशन करेंगे अपन। यहां तक ये जो मैंने येल्लो में हाईलाइट कर रखा है ना, तो मैं आपको फ्रिक्शन से पहले ये शॉर्टकट वगैरह जो भी ये सारी चीजें लिख रखी है ये सब मैं बता रहा हूँ। तो पेज 195 तक मैं बता आपको भेज रहा हूँ आज नोट सारे। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये खुद से ट्राई करना, इनको हम दोनों फ्रेम में डिस्कस करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में तो आई थिंक मैंने कर ही रखा है, यहाँ पर सारी चीजें लिख रखी है। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है। अगर एक्सरसाइज 4 सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं क्लास में करा रहा हूँ। और फिर मैंने एक क्वेश्चन ये दे रखा है, 2 क्वेश्चन, तो ये तीसरा क्वेश्चन, ये तो फ्रेश क्वेश्चन है, ये तीनों करने ही करने हैं।
और इसके अलावा ये जो दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एक चार और ये वाला पांच, इन सबको हमें किसमें करना है? सूडो फोर्स वाले फ्रेम में करना है। यहां तक आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो अब वो रुक सकता है, एल्स यू कैन लीव।